स्पॉन्ट मतलब जो होते हैं वो बात करने वाले स्पॉन्ट कुछ आता है क्यों मिल जाता है उसकी संख्या 21 लाख रुपये डॉलर से मुख्य श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। बिल्कुल सरकार उस पर सीरियस है, हम उनकी इस बात से सहमत हैं कि बच्चों का जो बच्चे बाल श्रम में कर रहे हैं उनके परिवार या उनके लिए कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से होना चाहिए, परंतु इसके अंदर ये भी है कि कोई भी चीज़ बच्चे की पढ़ाई की कीमत के ऊपर बर्दाश्त नहीं है। जब भी हम किसी बच्चे की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चे से और दूसरे के बच्चे में जो अंतर है उसको मिटाना होगा और ये जरूरी है, सरकार उस पर प्रयास भी कर रही है। जहां तक ये है कि ऐसे बच्चे जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है उनके परिवार में, उसके लिए ऑलरेडी एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर योजना चल रही है। हम आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करेंगे कि अगर कोई ऐसा बच्चा मिलता है तो आप मेरे श्रम कार्यालय में बताइए और उस बच्चे को तुरंत आर्थिक सहायता भी मिलेगी और उसको स्कूल भेजा जाएगा। जी लेकिन जो विभाग नहीं, देखिए ये एक जटिल समस्या है, ये और आम समस्याओं की तरह कोई सामाजिक समस्या नहीं है, इसमें आर्थिक पक्ष भी इन्वॉल्व है। देश की प्रदेश की जो आर्थिक स्थितियां होती हैं, जो रोजगार के अवसर होते हैं, वो सारी चीज इन्वॉल्व है, तो इसलिए आप और समस्याओं की नजर से उसको ना देखें और आशा है कि जल्दी इसका समाधान आपको और परिवर्तन नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, विभाग सक्रिय हो गया है और हमने एक बहुत अच्छा कंप्लेंट मैकेनिज्म पेंसिल पोर्टल के नाम से तैयार किया है कि अगर आप भी चाहें तो आप अपने इस मोबाइल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, चीजें परिवर्तित हो रही हैं और बहुत जल्दी आपको अंतर दिखाई देगा और हमारा प्रदेश बहुत जल्दी बाल श्रम मुक्त होगा और अलीगढ़ से ही